उत्तराखंड की राजधानी में आज पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस कंट्रोल रूम को सुबह 11 बजे सूचना प्राप्त हुई कि एसबीटी परिसर में संदिग्ध बैग रखा हुआ है। मौके पर एसएसपी एसपी सिटी से लेकर तमाम अधिकारी एसबीटी परिसर में स्थिति को जांचने पहुंचे। मौके पर बम निरोधक दस्ता फायर ब्रिगेड की गाड़ी एम्बुलेंस को तुरंत बुलाया गया। बम निरोधक दस्ते के कमांडो ने मिलकर एसबीटी परिसर की बारीकी से जांच की। इसके अलावा 3 बमों को निष्क्रिय किया। एसएसपी ने बताया कि इस मॉक ड्रिल से पुलिस की कार्यप्रणाली को देखा गया है। वहीं बम निरोधक दस्ते के पास जो उपकरण है उनको परखा गया। टीम ने तुरंत एक्शन लेकर कार्रवाई की। आगे भी इस तरह की मॉक ड्रिल की जाएगी। मॉक ड्रिल एनएसजी के साथ हमारे पीडीएस जो ग्रुप है वो एनएसजी उनको ट्रेन कर रहा है, उसी में आज ये ड्रिल कराई गई है जो कि हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस विद रिगार्ड टू वेरियस एक्सप्लोजिव्स है। और इसके साथ साथ एक मॉक ड्रिल भी की जा रही है, उसी के साथ अटैच कर कितना रिस्पॉन्स टाइम कितना पुलिस पहुँचती है और फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस के और अन्य जो इम्पॉर्टेंट सर्विसेज होती हैं उनका रिस्पॉन्स टाइम भी चेक किया गया है। रिस्पॉन्स टाइम मोर और लेस ठीक रहा है। पर और जो पीडीएस की जो टीम है, दो टीमें लगी हैं यहाँ पर और 3 जगह उन्होंने 2 प्राइमरी एक सेकेंडरी एक्सप्लोजिव डिटेक्ट किया है। और अभी आप देख रहे हैं कि सेकेंडरी जो प्राइमरी एक्सप्लोजिव है उसको वो मेटल का है कि उसमें जो है एक्सप्लोजिव्स हैं, उसके लिए इनके 4 स्टेजेस होते हैं। 4th स्टेज में फाइनली डॉग से चेक किया जाता है कि एक्सप्लोजिव जो हमारा कंफर्मेशन है वो डॉग ही देता है। सो ये जो हम अपने लेफ्ट हैंड साइड पे देख रहे हैं इसमें एक्सप्लोजिव है और जो रिस्पॉन्डेंट टीम नंबर 1 है वो वहाँ पर उसका कैमरे से उसको स्कैन कर रही है कि अंदर किस प्रकार का सर्किट है और किस प्रकार का एक्सप्लोजिव है, उसका इमेज लेने की कोशिश कर रही है।